दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नीतीश और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ इंडिया। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्डेनल सिरप के बारे में, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं गार्डेनल सिरप में कौन सा कॉम्पोजिशन मिला हुआ है। दोस्तों गार्डेनल सिरप में फेनोबारबिटोन कॉम्पोजिशन मिला हुआ है। अब हम जान लेते हैं इसका काम क्या है, कौन कौन सी बीमारी में ये दवा काम करेगा। दोस्तों इसका काम है मिर्गी, पीड़ा और चिंता को दूर करता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ये दवा पीने से साइड इफ़ेक्ट बच्चा को क्या पड़ सकता है। दोस्तों ये दवा लेने से घूमनी, मतली या उल्टी, पीलिया, रक्त में कमी आ सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यदि गार्डेनल सिरप का दुष्प्रभाव प्रेग्नेंट महिला के स्वास्थ्य पर होता है तो इसका सेवन करना तुरंत बंद कर दें। इसके बाद नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर उसके बाद दवा शुरू करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका डोज क्या है, गार्डेनल सिरप का डोज क्या है। दोस्तों इसका डोज है 0 दिन से लेकर 15 दिन के बच्चे को 4 बूंद सुबह शाम और 15 बूंद से लेकर 30 बूंद के बच्चे को 5 बूंद सुबह शाम। अब दोस्तों 2 महीने से लेकर 4 महीना के बच्चे को 8 बूंद सुबह शाम और 4 महीना से लेकर 12 महीना तक बच्चे को 10 बूंद सुबह शाम। दोस्तों ये दवा टेबलेट एवं सिरप में उपलब्ध है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में भी यही बताया कि गार्डेनल सिरप का क्या काम है, इसका नुकसान क्या, इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ सकता है और इसका डोज क्या है। दोस्तों गार्डेनल सिरप का काम है मिर्गी, अनिद्रा, चिंता को दूर करता है और इसका नुकसान है, इसका साइड इफेक्ट है घूमनी, मतली या उल्टी, पीलिया, रक्त की कमी हो सकता है। यदि गार्डेनल सिरप का दुष्प्रभाव प्रेग्नेंट महिला के स्वास्थ्य पर होता है तो इसका सेवन करना तुरंत बंद कर दें और जाके अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले उसके बाद दवा शुरू करें। तो दोस्तों अब हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो इस वीडियो में आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिला होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो घंटी आ रहा है उस घंटी को भी दबा देना। तब मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।